नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल लैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम संप्रभुता का वर्गीकरण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संप्रभुता का जो वर्गीकरण है, संप्रभुता के रूपों या प्रकारों का इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो संप्रभुता का जो वर्गीकरण के आधार पर संप्रभुता का जो पहला रूप या प्रकार है, नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। इसके अंतर्गत नाम मात्र की प्रभुसत्ता वह कहलाती है जिसमें सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियां संप्रभु में निहित होती हैं, परंतु व्यवहार में वह केवल वैधानिक अध्यक्ष ही होता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड का सम्राट एवं भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु हैं, और वास्तविक संप्रभुता दोनों देशों की कैबिनेट तथा संसद में निहित है। संप्रभुता के वर्गीकरण के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है, कानूनी या वैध संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता से अभिप्राय देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च सत्ता से है। न्यायालय भी इस संप्रभुता को मान्यता देते हैं। इस संप्रभुता द्वारा पारित कानूनों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर गार्नर ने लिखा है कि कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सकें। वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांतों तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन न कर सके। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभु माना जाता है। भारत में राज्यों के विधानमंडल और संसद में कानूनी संप्रभुता निहित है। संप्रभुता के वर्गीकरण के अंतर्गत संप्रभुता का जो अगला प्रकार है, राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता के परोक्ष में एक अमूर्त इच्छा शक्ति कार्य करती है, इसी को राजनीतिक संप्रभुता का नाम दिया जाता है। कानूनी संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के मतदाताओं के समूह में निहित होती है। इस समूह की इच्छा राज्य को सर्वमान्य होती है। यदि सरकार मतदाताओं की इच्छा के प्रतिकूल कार्य करती है तो आगामी निर्वाचन में मतदाता इस सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि राजनीतिक संप्रभुता उन प्रभावों का संपूर्ण योग है जो कानून की पीठ पर होते हैं। संप्रभुता के वर्गीकरण में संप्रभुता का जो अगला रूप है, वैधानिक और यथार्थ संप्रभुता। राज्य की सर्वोच्च सत्ता कानूनी संप्रभुता होती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में कानूनी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता नहीं रह पाती है। युद्ध अथवा विद्रोह आदि के समय ऐसा परिवर्तन होता है। यदि युद्ध में कोई अन्य सत्ता राज्य के सत्ताधारी वैध संप्रभु की उपेक्षा करके शासन सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, तो ऐसी सत्ता वैधानिक न कहलाकर यथार्थ प्रभुसत्ता कहलाती है। ब्राइस ने इस बारे में लिखा है कि यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में कार्यान्वित कर सकता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस के संविधान को भंग करके नेपोलियन ने जो सरकार बनाई थी वह यथार्थ संप्रभुता पर ही आधारित थी। वास्तव में वैधानिक संप्रभुता का आधार कानून है और यथार्थ संप्रभुता का आधार जनशक्ति है। धन्यवाद।